सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. एक्चुअली गुड आफ्टरनून. देखो कैसे बता, गुड आफ्टरनून. ये अभी तक सिलाई कर रही है, इसकी सिलाई करने की हैबिट नहीं छूटी अभी. इतनी शादी भी, इतने सारे कपड़े इसके पास है, सब कुछ इसके पास था, लेकिन इसकी मशीन ही नहीं. कुछ नया चाहिए था, मतलब सब चीज अवेलेबल होती है न्यू ब्राइड के पास, लेकिन क्या है ना, ये मृग तृष्णा ना भरती है. वो वाला वो सारा कलेक्शन ग्रीन ग्रीन है ना, तो एकदम गर्मी को देखते खैर टैलेंट है इन लोगों का, ये करते रहते हैं अपनी ड्रेसेस तैयार. इसको क्या लिपट गया है पहले मुझे ये बताओ. डांस कर ये तुम्हारा फ्यूचर है. नहीं वो अच्छा कर रहे हैं, सब ये टैलेंट है. तुम ऐसे करियो जैसे मच्छर को बुला रही हो, भगा रही हो. एक्चुअली दिखा देना अगर मच्छर ही. अच्छा देख कर कर बिना म्यूजिक के कर रही, टैलेंट है भाई. बिना म्यूजिक के तो इतना अजीब लगता है ना देखने में, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो. तो शिवानी और पारुल के पैकल जो खाना था वो था श्रेया के घर पे, आज खाएंगे यहाँ पे. मैंने खाना रेडी कर लिया है. खाने में मैंने बनाया छोले, और इसका मन कर रहा था कढ़ी का, तो मैंने वो भी बनाया है, दोनों बना लिए हैं. दाल उन्होंने कैंसिल करा दी है, दाल का मन किसी का नहीं था. तो पूरी भी इन्होंने मना किया कि ऑयली नहीं खाएंगे. ये जैश भी क्या कर रहे हैं नीचे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं करते बेटा. नो जैशपी, नो जैशपी, नो. मेरा प्यारा सा बच्चा. तो खाना वाना तो सब रेडी हो चुका है. भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है. ए क्या नाम, पलक, मेरे लिए सब्जी का है. वाली नहीं, छोले की सब्जी कहाँ है. हाँ जी, खाना कैसा बन रहा है? बढ़िया. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने बनाया है सच में. मम्मी किसने बनाया खाना? सबने. सबने सबने. पारुल कितनी गंदी बात है, हम कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा, तुम अब आ रही हो सुकून से रेडी शेडी होके ना, कितनी भूख लग रही है. ये भी कब से वेट कर रही, तुमने चेंज क्यों नहीं किया अब तक कपड़े. चलो आओ शिवानी. देखो बात है ऐसी, ये दोनों लेट आई तो इनके लिए नीचे नहीं मैंने खाया था, अब इनके साथ में खाएंगे. तुम स्पेशल उसने खा लिया वो नीचे उन लोगों के, उसने खा लिया पहले उन लोगों के साथ. कोई बात अच्छा, नहीं कोई पेड़ा, नहीं कोई रसगुल्ला, भाई साहब कोई बर्फी नहीं, बस पतासा. मन नहीं करता ना, जब हम बहुत सारी चीज अपने सामने देख लेते हैं उसको पहले ही मन भर जाता है उस चीज से, नहीं अच्छा लगता. जैशपी नो, आराम से बैठो, ईमानदारी के साथ बताना खाना कैसा लग रहा है. दो चीजें बनाई है मैंने, उनमें दोनों में से बताओ क्या आपको ज्यादा सही लगी है. कढ़ी. पारुल, मम्मी को छोले अच्छे लग रहे हैं. कढ़ी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है. अब छोले ट्राई करके देखती हूँ, सही लग रहे हैं छोले भी, सही लग रहे हैं. कल हम बहुत स्पेशल जगह जाने वाले हैं जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं. मेरी तैयारी हो गई है और खुशी को पूछती हूँ उसकी तैयारी हुई है या नहीं. कल क्या पहनने वाली मुझे ये बताओ. अच्छा, अपने रख लिए कपड़े तुमने, ठीक है फटाफट इसको खत्म करो. मुझे भी एडिटिंग वेडिटिंग करके जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि हम जल्दी निकल रहे हैं. ठीक है ओके शिवानी, मिलते हैं. तुम तो नहीं जा पा रही हो हमारे साथ, लेकिन जल्दी मिलेंगे. ओके, गाड़ी से जा रहे हैं. हाँ आ जाओ, और मम्मी ने बोला है कि तुम्हें उठा दो, जल्दी आओ. सो हम जाने के लिए रेडी है, और उस ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि न्यू ब्लॉग मैं भी शुरू करने वाली हूँ. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय.